व्हाट्सअप गाइस है ना दैट ब्लॉग। तो आज के आज के ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ आज हम जा रहे हैं मरी माता मंदिर। तो आप देख सकते हैं अभी जा रहे हैं, पेट्रोल पंप में रुके हैं हम लोग। जाएंगे और आपको मैं वहाँ का मंदिर एक्सप्लोर करूँगा। चलते हैं और देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज अभी हम लोग खोनसरा पहुंचने वाले हैं, उसके बाद पड़ेगा भवाटन। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब रुके हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ चाचा हैं, फूफा हैं, और ये देखिए यहाँ पापा बबूल का पेड़ तोड़ रहे हैं दातुन करने के लिए। और इधर सब रुके हैं हम लोग, अभी बुआ लोग आएंगे फिर चलते हैं। देखते रहिए, अभी बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं एंड देखते हैं। गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खोकसरा स्टेशन। आपको मैं दिखाता हूं, चलिए देखते हैं। मैं अभी स्टेशन के अंदर आ चुका हूं। ये देखिए खोनसरा स्टेशन लिखाया है और मेरे साथ है मेरे चाचा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टेशन है, ये छोटा सा है और ये अभी पीछे से ट्रेन आ रही है। चलते हैं, और चाची को भूख लग रहा था तो चलते हैं इधर देखते हैं, कुछ मिल जाए तो खिला उला देंगे। चलते हैं और देखते हैं। गाइस अभी हम लोग, मैं चाचा चाची आ गए हैं होटल, यहाँ छोटा सा होटल है, यहाँ खाने आए हैं, कुछ देखते हैं क्या क्या मिलता है। चलिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ खा रहे हैं समोसा, चाट समोसा, चाट। देख सकते हैं ये स्टेशन के बाहर में ये बाल उद्यान है, और यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं चाची लोग मेरे। ये देखिए यहाँ अभी झूला झूलने का तैयारी हो रहा, और यहाँ पास एक चाची यहाँ बैठ गई है झूला पे। और यहाँ पास देखिए मम्मी और छोटी वाली चाची यहाँ पे है, तो अभी इंजॉय कर रहे हैं लोग। थोड़ा देर से निकलेंगे भवाटन के लिए, चलते हैं। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, देख सकते हैं सब गाड़ी वाड़ी में बैठ रहे हैं। चलते हैं फिर, अभी वहाँ भी बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए चाचा बैठ चुके हैं यहाँ, ये देख सकते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं मरी माता, मतलब कि भवाटन, और यहाँ सब ये पिकनिक प्लेस है, यहाँ सिर्फ पिकनिक मनाते हैं। और ये इधर से हम लोग जाएंगे मरी माता के दर्शन के लिए, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। अभी देखिए इस पे हम लोग नहाने वाले हैं, ये नदी है। और ये देखिए ये हम लोग की पूरी फैमिली यहाँ अभी खड़ी है। अभी जाएंगे तो आपको दिखाता हूँ मरी माता का मंदिर। जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ प्रसाद ले सकते हैं और माता के लिए श्रृंगार का सामान। तो देखिए यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी मरी माता के लिए। हम लोग जंगल वाले रास्ता से जा रहे हैं, ट्रेन के तरफ से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं मतलब स्टेशन से, लेकिन हम लोग गाड़ी में आए हैं इसलिए हम लोग जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं। अभी चलिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको हम लोग को कितना दूर जाना है अभी। तो ये देखिए ये मेरी बुआ खड़ी है, और ये देखिए चाची आ रही हैं, सब कोई ले कर यहाँ रखे हैं प्रसाद। ये आंटी लोग से ख़रीद सकते हैं आप इधर से आएँगे तो। चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ऊंचाई पर हम लोग को चढ़ना पड़ रहा, और यहाँ देखिए सब कोई हम लोग, ये देखिए जय मरी माता वाला पट्टी पहन लिए हैं और चढ़ रहे हैं। आपको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ, बहुत ऊंचा पहाड़ है ये देखिए, और यहाँ सीढ़ी भी नहीं है, यहाँ देखिए कैसे करके चढ़ना पड़ रहा। और ये पूरे जंगल के बीचों बीच है, ये देखिए ये राहुल, और वो देखिए वो जा रहा बंटी। चलते हैं। मरी माता की जय। बोलिए मरी माता की जय। ये हम लोग पहाड़ चढ़कर ऊपर आए हैं अभी, यहाँ पूरा दुकान वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अभी और दूर जाना पड़ेगा हम लोग को।
तो यहाँ देख सकते हैं ये जंगल के बीच में है। ये देखिए ये मंदिर पटरी के बगल में है, देख सकते हैं आप। और यहाँ हम लोग का परिवार यहाँ से जा रहा है दर्शन के लिए, और ये मेरी चाची। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। ये बंदर के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बंदर भी हैं बहुत सारे यहाँ। ये देखिए एक बैठा है, सो मैं आपको बता दूं यहाँ संडे के दिन ज़्यादा भीड़ रहता है, ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं यहाँ। और यहाँ देखिए यही वो मंदिर है जिसे मरहिमा मंदिर बोला जाता है। ये देखिए यहाँ लिखाया है, देख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ एक बाबा बैठे हैं। और ये देखिए ये जितने भी आप नारियल देख रहे हैं ये सब मन्नत के नारियल हैं। यहाँ आपको हर जगह नारियल ही नारियल दिखेंगे इस मंदिर पर। यहाँ बहुत ज़्यादा नारियल, यहाँ मतलब कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा मन्नत मांगे जाते हैं, आप देख सकते हैं, और मन्नत पूरे भी होते हैं। तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से थोड़े ही दूर पर एक स्टेशन है जिसका नाम भवार टैंक है। ये देख सकते हैं बंदर, एक छोटा सा बंदर का बच्चा। और इसका फ्रंट गेट यही है, तो आप देख सकते हैं यही है फ्रंट गेट। और यहाँ आज तो भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है संडे के दिन। सो ये देख सकते हैं काफी अच्छा दर्शनीय स्थल है ये। और यहाँ से एग्जिट डोर है, वहाँ से इंटर था, यहाँ से एग्जिट है। सो आप देख सकते हैं ये सब मन्नत के नारियल हैं। ये देखिए बहुत सारे यहाँ हर जगह आपको नारियल ही नारियल दिखेंगे। और यहाँ मन्नत पूरा भी होता है, अगर आपको ही मन्नत मांगनी है तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ का नाम है भवार्टन, और ये माता का नाम है मरी माता। यहाँ देख सकते हैं ये COVID-19 के टाइम का ये बोर्ड लगा था, वायरस कोविड कोरोना महामारी के कारण मंदिर परिसर में आना सख्त मना है आदेश अनुसार। तो ये कोरोना वायरस के टाइम का था, यहाँ मंदिर में आना मना था, और अब तो ये खुल चुका है, आप देख ही सकते हैं। सो चलते हैं और भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम लोग दर्शन कर लिए हैं, अब जाएंगे हम लोग जहाँ खाना वगैरह बनाए हैं, तो चलते हैं वहाँ और पेट पूजा करेंगे अभी। तो चलिए चलते हैं। हाँ देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। ये देखिए यहाँ प्याज छिल रहा, अंडा, पापा चाचा लगे हैं काम कर रहे हैं। और यहाँ अभी हम लोग के लिए भेल बनेगा। क्या पीहू, पीहू भी यहाँ काम कर रही है, आलू छिल रही है बंटी और पीहू, देख सकते हैं यहाँ। ये देखिए चाचा चूल्हा और बना रहे हैं एक और चूल्हा। और यहाँ भी बनेगा हम लोग का चिकन। तो आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं जहां पास हम लोग खाना वाना बना रहे थे। ये देखिए ये मेरे चाचा हैं, ये भी मेरे चाचा, ये पापा और ये चाचा। ये देखिए यहाँ सब सामान बना रहे हैं, और यहाँ चिकन बन के रेडी है और चावल भी।
सर चलते हैं और खाएंगे अभी, तो चलिए चलते हैं और खा के मिलते हैं। सो अभी हम लोग खाना वगैरह खा लिए हैं, देख सकते हैं इधर सामान वगैरह पैक कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और बंदरों का मस्ती तो आपको मैंने दिखा ही दिया, तो बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत बंदर भी हैं। और अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आपने अभी तक मेरे Instagram को फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पर मेरी आईडी आ रही होगी, जाइए फॉलो कर लीजिए और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।